यूं तो इंसान की अंतिम यात्रा के लिए लोग शमशान स्थल जाते हैं, वहीं कई जगहों पर परंपरा के अनुसार महिलाओं का शमशान स्थल पर जाना वर्जित भी माना जाता है। लेकिन राजस्थान के भरतपुर के एक छोटे से मोहल्ले की महिलाएं बीते 40 सालों से रोज सुबह शमशान स्थल जाती हैं। सुनने में आपको ये बात अटपटी लग रही होगी, लेकिन यहाँ की असल तस्वीर यही है। दरअसल भरतपुर जिले के बयाना तहसील के बमनपुरा मोहल्ले सहित आसपास के क्षेत्रों की महिलाओं को रोज शमशान स्थल इसलिए जाना पड़ता है ताकि उन्हें पीने के लिए मीठा पानी उपलब्ध हो सके। यही नहीं, स्थिति यह भी है कि यहाँ महिलाओं को पानी लाने के लिए जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर पानी लाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये तब है जब बयाना की रहने वाली रंजिता कोली भरतपुर से भाजपा सांसद भी हैं, लेकिन कई सालों से यहाँ महिलाएं पानी के लिए संघर्ष कर रही हैं। वहीं केंद्र और राज्य सरकार की ओर से घर घर पानी पहुंचाने के दावे यहाँ इन तस्वीरों के सामने फेल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक भरतपुर जिले के बयाना कस्बे के बमनपुरा मोहल्ला काचीपाड़ा में लंबे समय से पीने के पानी की किल्लत है। लोगों को यहाँ मीठा पानी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। यहाँ पर गंभीर नदी के पानी की सप्लाई होती है, लेकिन उसमें फ्लोराइड अधिक होने से लोग इस पानी को पीने से बचते हैं। हाल यह है कि बरसों से लोग पास के शमशान से पानी लाकर पी रहे हैं। सुबह शाम महिलाओं की पानी के लिए यहाँ लंबी भीड़ लगती है। स्थानीय लोग कई बार पेयजल की समस्या उठा चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया है। बमनपुरा मोहल्ला की निवासी है, हमारे जो बमनपुरा मोहल्ला में जितने भी जो नल लगे हुए हैं उनका पानी वो खारा है। सब्जियां स्वाद नहीं लगती हैं, दूध फट जाते हैं, और उस पानी से हम नहाते हैं तो शरीर पर चकते बन जाते हैं, बाल उड़ने लग गए हैं, और उस पानी से बहुत हमें नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो समस्या है वो खारे पानी की है। खारे पानी की क्या है कि वो सिर्फ खारे के अलावा आज की तारीख में 40 साल से जो पहले कुआओं का चलन होता था, पहले खुंडा पे हमारे दो कुआ हुआ करते थे, वो जब से उनको करीब खत्म हुए हो गए 40 साल के बाद में आज की स्थिति यह है कि शमशान में जैसे तैसे का जो दो हेडपम्प लगे हुए हैं, वहाँ से हमारी महिलाएँ का जो पानी के लिए जाती हैं। देखिए, हमारे यहाँ काफ़ी समय से खारा पानी आ रहा है, और उस खारे पानी से हमारा खाना दूध वगैरह फट जाते हैं। इस वजह से हमारे मोहल्ले की महिलाएं शमशान घाट जो वहाँ पे जाती हैं, तो रास्ते में क्या है, सड़क क्रॉस करनी पड़ती है और एक रेलवे लाइन है वो भी क्रॉस करनी पड़ती है, तो जान जोखिम में डाल के वो 40 वर्षों से शमशान घाट का पानी पीने को मजबूर हैं। वहाँ से निरंतर शमशान घाट का ही पानी पी रहे हैं पूरे मोहल्लेवासी। यहाँ शमशान के हैंडपम्प से पानी भर रही महिलाओं ने बताया कि गंभीर नदी के पानी की सप्लाई जलदाय विभाग की ओर से कराई जाती है। नदी के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने से दूध फट जाता है। इसके अलावा खारापन होने से मीठे पानी लेने के लिए महिलाएं शमशान से पानी लेकर आती है। महिलाओं का कहना है कि करीब 30 से 40 वर्षों से शमशान के हैंडपंप से ही महिलाएं पानी की उपलब्धता को पूरा कर रही हैं। आप अभी पानी कहाँ से ला रहे हो? गौ। अच्छा, शमशान में से। तो आप अपने मोहल्ले में पानी नहीं है? क्यों, क्या क्या परेशानी है? पानी की क्या परेशानी है? अच्छा, आप कौन से मोहल्ले के रहने वाले हो? भवनपुरा मोहल्ले के। महिलाओं ने यह भी बताया कि मीठा पानी पीने के लिए उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि 1 किलोमीटर दूर शमशान में पानी लाने के लिए उन्हें मेगा हाईवे और रेलवे लाइन को पार करना पड़ता है। इस दौरान हादसे की आशंका बनी रहती है, लेकिन मजबूरी के आगे सभी दुख तकलीफों को भूलना पड़ता है ताकि मीठा पानी पीने के लिए उपलब्ध हो सके।